गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको एक पूरे रूम का जो है टूर देने वाले हैं, जिस रूम के अंदर पीवीसी, वुडन और बेड का भी काम हुआ है, किस तरीके से हमने इस रूम को मैनेज किया है इस वीडियो में आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैं इस कमरे का टूर करा देता हूं सबसे पहले। उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फटाफट से आ जाइए और मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने यहां पर सबसे पहले सीलिंग में ये पीवीसी की डेकोरेशन की है, उसके बाद लाइटें वगैरह लगाकर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है छत को। उसके बाद हमने पूरी दीवारों पर यहां पर आप देख सकते हैं पीवीसी सीलिंग का ही, पीवीसी पैनल का ही इस्तेमाल किया है। यहां पर पूरे रूम के अंदर पीवीसी ही पैनल लगा हुआ है। उसके बाद हमने यहां पर बेड बनाया है, ये बेड देख सकते हैं आप, इसको हमने डेकोरेशन किया है। ये पुराना बेड था, इसके ऊपर हमने माइका वगैरह लगाकर लेमिनेशन कर इसको हमने इसके यहाँ पर कुशनिंग करी है ग्रे कलर के कपड़े से, और यहाँ पर हमने ग्रे कलर की माइका लगाकर इसमें यहाँ पर हमने इसको डेकोरेशन दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक अलमीरा बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अलमीरा को हमने 10x8 की बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड में हमने राउंड कॉर्नर ले लिया है, उसके नीचे हमने यहाँ पर एक ड्रोर लिया है, ड्रोर के बाद यहाँ पर हमने एक डोर ले लिया है। उसके बाद ये हमारी जो अलमीरा है बेसिकली स्टोरेज के लिए बनाई गई है, यहाँ पर कोई भी आपको कोट पैंट टांगने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर टोटली स्टोरेज के लिए ही इस अलमीरा को बनाया गया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो लेमिनेशन ली है वो व्हाइट और ग्रे कलर की है, और विर्गो कंपनी की जो है ये इसमें हमने माइका लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैटिक की हमने यहाँ जो है इसकी फिटिंग लगाई है स्लाइडर की, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर ऊपर भी तीन पल्ले ले लिए हैं जो ओवरलिफ्ट होते हैं, ऊपर को खुलते हैं। तो इस तरीके से हमने इस अलमीरा का जो है वो कॉम्बिनेशन लिया है, ये स्टोरेज के लिए बनाई गई है। स्टोरेज इसमें हमने यहाँ बैक में जो है ऑफ व्हाइट माइका ली है, और फ्रंट में हमने यहाँ पर जो है ये ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। तो देख सकते हैं आप पूरी अलमारी का व्यू, बहुत ही बेस्ट व्यू मिल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक बार बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन हमने ये यहाँ पर हमने ओपन रखे हैं, जिसमें हमने वुडन कलर के शेड की माइका लगाई है। नीचे हमने प्रोफाइल पल्लों का इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने प्रोफाइल जो है वो डोर दिए हुए हैं, प्रोफाइल मिरर वाले डोर, इसके अंदर हमने यहाँ पर मिरर की ही एक शेल्फ ले ली है। उसके बाद ऊपर भी हमने यही सेम कॉम्बिनेशन दिया है, ऊपर भी हमने ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने एक मिरर का जो है वो शेल्फ ले ली है। ऊपर दो लाइटें हैं इसके अंदर, लाइट अभी कनेक्शन हुआ नहीं है तो लाइट अभी जल नहीं सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से पूरा जो है इसका बार का कॉम्बिनेशन लिया है, ये भी एक प्रोफाइल लाइट है, ये भी जलती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।